हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह एक वीडियो और गाइस। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का जो हमारा वीडियो है, मैं बता दूं, आज आपको मैं ये वीडियो है अनलॉक टूल के अपडेट के ऊपर, और एक बहुत अच्छी बात भी है, मैं सब कुछ अभी मेंशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस, कभी कभी क्या होता है कि इसका जो मेन अपडेट है, तो चलिए मैं इसके सहले पहले आपको साइड पे ले चलता हूँ और वहीं पे आपको इंटरफेस को दिखा देता हूँ। एक एक करके सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने अनलॉक टूल खोल दिया है रिसेंटली, आज का ये अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो 27/2, यहाँ पे 27 तारीख का ही अपडेट है ये। तो बेसिकली मैं अपडेट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट अपडेट आया है गाइस, जो आज का अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, वो है कि वीवो के जो मॉडल्स होते हैं गाइस, जो वीवो के मॉडल्स हैं अभी फिलहाल, इन्होंने वीवो का डाला हुआ है और सोमी वगैरह का अभी नहीं डाला है। सोमी का भी अपडेट बहुत जल्दी रिसेंटली आ जाएगा। तो इन्होंने जो अपडेट डाला हुआ है कि वीवो का फोन, जो एडियल पोर्ट, जो कॉलकॉम फोन है, वो एडियल मोड पे जो वर्क करता है, तो फोन को खोलना पड़ता है, टेस्ट पॉइंट से टेस्ट करना होता है, उसके बाद होता है। बाकी यहाँ पे बिना फोन को खोले आप फास्टबूट मोड से, आप उसको फास्टबूट मोड से एडीएल में ला सकते हैं। देख सकते हैं, पहला लिखा अनलॉक रिबूट टू बूट लोडर कर सकते हैं, दूसरा लिखा हुआ है फास्टबूट रिबूट टू एडीएल, मतलब आप फास्टबूट मोड से आप उसको एडीएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री फास्टबूट फैक्ट्री सेट, मतलब आप यहाँ पे फास्टबूट मोड से कॉलकॉम, वीवो के कॉलकॉम फोनों को आप उसको भी रिसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है फास्टबूट मोड से आप इरेज एफआरपी भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि गाइस यहाँ पे काम नहीं करता है सारी चीजें, तो आप से फायर भी कर सकते हैं। और उसके बाद वीवो में जो डेमो लॉक लगते हैं, उसको भी आप यहां से बहुत इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये तो वीवो का अपडेट था, जो कि डेली अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद यहां पे हॉनर के भी कुछ मॉडल्स इन्होंने ऐड किए हैं, नोवा 9 और नोवा 9 प्रो, यहां पे दोनों ही मॉडल्स यहां पे अपडेट किए हुए हैं। तो ये था अनलॉक टूल का अपडेट, जो कि काफी काफी ज्यादा ज्यादा बेटर यहां पे देखने को मिला है सारा कुछ गाइज यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं एक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है फिलहाल। तो अभी मैं आपको पहले इसका इंटरफेस को बता देता हूँ। तो आपको सीधा वीवो में जाना है। वीवो के टैब में आप जाने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे आप वीवो के टैब में जाओगे, तो मैं यहाँ पे वीवो के टैब में फिर से चला जाता हूँ। वीवो के टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं वीवो का सारे मॉडल्स यहाँ पे, ईडीएल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ब्रांडो मॉडल्स शो कर रहे हैं। काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड भी होते जा रहे हैं, बहुत डेली बाय डेली अपडेट है। बाकी इसकी फुल गाइडलाइंस के लिए आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको परफेक्ट तरीके से नॉलेज मिलेगा। और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर के और वॉच कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है और क्या सारी चीजें हैं। तो फिलहाल आप फंक्शंस, एक टैब दिखाई दे रहा होगा फंक्शंस का, यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा होगा गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस का टैब है, यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव, यहाँ पे ऐप भी, रिमूव स्क्रीन लॉक, ये सारा कुछ आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट ईडीएल दिखाई दे रहा है, रिलॉक बूट लोडर दिखाई दे रहा है, अनलॉक बूट लोडर दिखाई दे रहा है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देख देखने को मिल जाएगा गाइस। तो ये जो फास्टबूट है, एफबी जो यहाँ पे लिखा है, फास्टबूट एफबी जो लिखा हुआ है गाइस, जो कि इन्होंने फंक्शन में डाला हुआ है, जहाँ पे आप ऐप भी देख रहे हैं, फास्टबूट है, मतलब फास्टबूट मोड पे आप इसको काम करने के लिए गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रीड इन्फो कर सकते हैं, रिमूव स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे बूट लोड अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे रिलॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे फोर्सली, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ईडीएल, फोर्सली ईडीएल लिखा हुआ है। आप फैक्ट्री रिसेस भी कर सकते हैं, एफआरपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेस प्लस एफआरपी कर सकते हैं, और रिमूव डेबो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने करके रखा हुआ है। तो बेसिकली गाइस, ये सारे फंक्शंस को आपको वन बाय वन यूज करना है, ट्राई करना है। आपको एडीबी फास्टबूट के ड्राइवर यहाँ पे होने चाहिए, फोन फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, आपको ट्राई करना है गाइस। नहीं होता है तो अपडेट में से जुड़े रहें, ये अभी अपडेट रिसेंटली आया हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एडीबी फिक्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिर से फटाफट रिवीट कर दे रहा हूँ गाइस। आपको सबसे पहले जो ऐप भी दिखाई दे रहा है, ये फास्टबूट मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें आप रीड इन्फो कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं, मेन बेसिकली आप एडीएल फोर्स, आपको एडीएल था जो इसका मस्ट भी अपडेट अच्छा लगा, वो एडीएल पे जाकर के आप इसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं गाइस। बाकी ये अपडेट कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइएगा, कि ये जो हमने आपको करके दिखाया सारा कुछ यहाँ पे विद प्रूफ आपको दिखाया गाइस, कैसा लगा यहाँ पे। तो फिलहाल ये इतना ही था, एक छोटा सा अपडेट वीडियो था, बहुत बड़ा वीडियो नहीं था। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छा लगा हो, ट्राई कीजिए। ट्राई होने के बाद अगर हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जब हमारे पास फोन कोई आता है तो मैं यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल तरीके से
से दिखाऊंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। ऐसे टेलीकॉम आप ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको परफेक्ट तरीकों से हर एक टैब के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा, कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।